146 मीटर पे आ गया अपने 5-6 मंजिला 10 मंजिला मकान जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। चलो हंसना वीडियो देखते मोबाइल लेके। अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। शिव टेंपल से भी नीचे आ चुके हैं। We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the... फिर से बजाओ ताली, फिर से बजाओ। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on. Dadaji bhi aa gaye hain. From the lander. Dadaji bhi aa gaye hain. कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। इस टाइम भाई जब 0 मीटर आया खत्म नहीं होना चाहिए मोबाइल, पता चले 0 मीटर पे इनका मोबाइल बंद हो गया। Currently only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. तो हमारे भी है लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है,
सामर्थ्य का है। भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। इच्छा भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए